हॅलो. ओ हां, तुझं पेपर ट्रेड केलं मी ऍक्च्युली काल. त्याच्यामध्ये जसं तर रॅट स्ट्रॅटेजी पण वापरली मी. बऱ्याच वेळेला घेतलं, विकला, घेतला, परत परचेस केलं, सेल केला, घेतला, अशा पद्धतीने करत करत मी ऑलमोस्ट 8,200 काल पर्यंत गेलो होतो प्रॉफिट मध्ये. काल जर तुम्ही लोकांनी जो फॉर्म्युला आपण काल घेतला तो जर लाईव्ह केला असता तर फीज निघाली असती असं म्हणायला हरकत नाहीये. थोडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. आणि मॅडम, ते तुमचे ते टिप्स होते कालचे, तेही ट्राय केले कालचे. फ्युचर ऑप्शन चे, एफएनएल चे, रिलायन्स चे, एलटी चे, त्याच्यामध्ये पण ऑलमोस्ट 2-4 हजार प्रॉफिट केला त्याच्यामध्ये. अजून सुद्धा रिलायन्स एक फ्युचर आहे माझ्याकडे. ठीक आहे डन. अरविंद सर आणि दिगेश सर होमवर्क केला तुम्ही लोकांनी? नाही केला मॅम. हो हा सर, अजित सर आप बताइए, विक्रम सर आप बताइए. अरविंद सर आणि होमवर्क नाही केलाय ना? ऍज अ नाही, होमवर्क माझ्या लक्षातच आलं नाही कुठला करायचं. 5 स्टॉक तर टाकायचे होते आपल्याला, काढायचं होतं इक्विटी मध्ये जो तुम्ही परवा होता तो. नाही, मी टॉपर्स मध्ये परत अपोलो टायर्स तेवढं पाहिलं. ओके, परसेंटेज मध्ये टॉप गेनर मध्ये आहे. सो लाईक जो आपण काल न्यूजपेपर फॉर्म्युला, सॉरी दिगे सर मेरी मराठी शुरू हो जाती है, जो हमने कल देखा, जो हमने कल न्यूज़पेपर फॉर्मूला देखा वो सक्सेसफुली आपके साथ वर्क किया, ऐसे हम लोग बोलते हैं, राइट? इसमें मैंने भी, मैंने 2 स्टॉक, मतलब जो आपने फॉर्मूले हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से थे ना, मैंने 3 स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रखे थे. उसमें से अपोलो एक रखा था, सेल रखा था जो शॉर्ट सेल के लिए था, और मैक्स था. तो इसमें से अपोलो, यस, अपोलो वर्क काफी अच्छा किया उसने. मतलब हमने कल 3% का देखा था, पर मतलब डे बिफोर यस्टरडे के न्यूज़पेपर में, और कल उसने भी उससे भी ज्यादा थोड़ा सा मारा है. अब लेकिन 5% पे गया है. हाँ, और लेकिन मैक्स हेल्थ है वो, उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया कल. ऐसा क्यों हुआ? मतलब 11% ऑलरेडी मारा था और वापस उसने अराउंड उसके आसपास ही गया था फिर से, और सेल जो था वो कल गिरा नहीं, वो ऊपर आया थोड़ा. कल का मार्केट का ट्रेंड कैसे था? वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. कल की मार्केट का ट्रेंड अच्छा कैसे था? मार्केट का बायस बहुत ज्यादा थे कल मार्केट में, रेदर देन सेलर. अपसाइड था मैडम. एग्जैक्ट, हां अपसाइड था मार्केट. देखिए मैक्स हमने बोला ही नहीं था कि मैक्स को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग नीचे से ट्रेड करने वाले थे, वो हमारा सक्सेसफुल हुआ. मैंने वही बोला था, कल के दिन बढ़ा है तो आज नहीं बढ़ेगा ऐसे नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, बट हमें उसमें रिस्क नहीं लेनी है. हम लोग जो कम बढ़ा हुआ है ना उसमें रिस्क लेने वाली है. सेकंड सवाल था आपका कि सेल नहीं ज्यादा तक गिरा, बिकॉज कल के मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो कल के मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था. तो पॉजिटिव हमारे पास अभी काफी सारी चीजें है पहले, इसीलिए मैंने आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए और पेपर ट्रेड इसीलिए बोला कि हमें पहले देखना है कि क्या हो रहा है, और हम लोग अगर ऐसे करते थे तो हमारी गलती कहाँ हो रही थी. तो हमारी गलती अब ये होगी कि हमने ओवरऑल ट्रेंड ही नहीं देखा, ना हमने एडवांस क्लाइंट्स रेशियो देखा, ना ट्रेंड देखा, हम लोगों ने बस न्यूज पेपर फॉर्मूला देखा, और वैसे भी होगा, हमें सारा कॉम्बिनेशन करना है. ओके ओके. एंड आपके पास होमवर्क था, मुझे इक्विटी के 5 स्टॉक देने थे, मुझे एक स्ट्रैटेजी देनी है. जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं दूंगी. हाँ मैम, एक्चुअली मैं संडे के बाद सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी में काफी भागा भागी चल रही है. आप जब भी करना है कर लीजिए. आप उसके अगले हफ्ते भी बोलोगे एक लिंक दे दो मैम, हमने होमवर्क किया है, मैं ज्वाइन कर लूंगी. ठीक है मैम, श्योर, मैं दूंगा 5 स्टॉक. मैं वैसे खड़ूस टीचर कभी कभार बनना पसंद करती हूँ. टीचर में थोड़ा खड़ूस होना ही चाहिए, तब जाके स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं. कल हमने डे इंट्राडे देखा, कल हमने न्यूज़पेपर फॉर्मूला देखा, कल हमने स्ट्रेटजीज देखी. आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं,
और लास्ट सेगमेंट रहेगा आज का हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हम लोग दोनों देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर। कोई बता पाएगा कि फ्यूचर का डेफिनेशन क्या है, फ्यूचर कितने लोग काम करते हैं फ्यूचर्स में? कोई आइडिया है फ्यूचर का? फ्यूचर में आगे का फ्यूचर का ही ले लो, वर्ड ही फ्यूचर है वो। फ्यूचर विक्रम सर, तुमसे आवाज इतना कमी है तो है ना। हेलो, हाँ मैम, फ्यूचर में आगे का यानी फ्यूचर वर्ड ही फ्यूचर है वो। यस यस, फ्यूचर्स म्हणजे फ्यूचर्स मध्ये काय होऊ शकतं हे ज्याला माहिती आहे, दॅट इज सिंपल कॉल्ड अ फ्यूचर। फ्यूचर्स मीन्स सिर्फ पहले हम लोग फ्यूचर्स देखेंगे। आज तक अभी तक हमने जो देखा, डे ट्रेडे देखा, इक्विटी देखा, आईपीओ देखा, म्यूचुअल फंड देखा। अब ये सारी चीजें करते वक्त हमने हमारे चॉइस से क्वांटिटी ली। अगर हम लोग इक्विटी कर रहे हैं, हमें पूरा कैश देना है, मैं 10 ले लूं, 1000 ले लूं, 50 ले लूं, टोटली डिपेंड्स ऑन मी। मैं इक्विटी में भी जा रही हूँ, मुझे चाहिए तो मैं लिमिट लूँ, चाहिए तो मैं लिमिट ना लूँ। सो दैट इज मीन, उसका क्या मीनिंग हो गया कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, मैं इतनी ले सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतनी ही ले सकती हूँ। नॉट लाइक फ्यूचर में जब आप करोगे, जब आप फ्यूचर में काम करोगे तो आपको एक प्रॉपर लॉट साइज मिलेगा। तो इसीलिए फ्यूचर का सिंपल डेफिनेशन हाई रिस्क हाई मनी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज लॉस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट यहाँ पे होता है। साइट ओपन करते हैं, उस पर मुझे मुझे क्वेश्चन भी है। उसमें आपने ट्रेड भी किया? ट्रेड नहीं किया मैंने, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, लेकिन मुझे उसमें क्वेश्चन है जो मतलब मैं एक्सपायरी के दिन जैसे कि आपने बैंक निफ्टी का पीक मैंने देखा था 36,800 पे, वो 0.05 पे मतलब जो उसका नॉर्मल क्लोजिंग रहता है एक्सपायरी के दिन, वो अमाउंट तक पहुंच गया था प्राइस पे, बट ऐसा बैंक निफ्टी के साथ नहीं हुआ, वो ऊपर ही रुका। पास्ट जो मैंने ट्रेड करता था पास्ट में जो सी पे, तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, भले ही कुछ भी मार्केट मतलब एक्सपायर के दिन वो पूरा जीरो ही हो जाता था, तो इस वक्त ये जीरो क्यों नहीं हुआ? वो शीतल बातें के कॉल देना क्योंकि मैंने पिछले सब जो भी मतलब जिसमें जब भी मैं ट्रेड करता था और बाद में ट्रेड करना छोड़ दिया फ्यूचर ऑप्शन में, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने लगा था, मैं खुद से ही अपने मन से मतलब वो प्राइस डाल देता था सी और पी का और देखते रहता था, तो वो सब जीरो ही होते थे, हार्डली एक स्टॉक ऐसा था वो भी ऐसे ही अप में क्लोज हुआ, बाकी सब जीरो पे ही क्लोज होते थे, तो इसके पीछे रीजन क्या है? स्टॉक सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, आप ऑप्शंस में क्या देखते हो। अब जैसे अभी अरविंद सर जाने वाले हैं टेक्निकल में, तो ये जो कॉल्स थे ना, ये प्योरली टेक्निकल कॉल्स थे कि किसका वॉल्यूम क्या है, फिर इसके वॉल्यूम के साथ कौन सी चीजें मैटर कर रही है, जब पॉसिबल है तभी हमें खरीदना है, अदरवाइज हमें नहीं खरीदना है। जैसे यस प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, बट उसमें भी कुछ टेक्निक ऐसी है जो हमने यूज की है। टेक्निकली ये कॉल मैंने दिया था आप लोगों को, और जब टेक्निकली आप ये कॉल लोगे तो यस डेफिनेटली उसे तो सक्सेसफुल होना ही होता है, क्योंकि साथ में आपने देखा होगा हर कॉल के लिए मैंने स्टॉप लॉस भी दिया है आपको। विदाउट स्टॉप लॉस मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया है, और मैंने सामदाम दंडवेद सभी चीजें यूज की है, मैंने ट्रेड भी देखा है, मैंने टेक्निकल व्यूज भी देखा है, मैंने फंडामेंटल व्यूज भी देना है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सक्सेसफुली अचीव होते हुए आपने देखे हैं, राइट? यस यस, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है। So, इसमें भी मैम जब मैंने देखा था ना डेप्थ में, मतलब जो प्रीवियस कॉल जो मतलब अपना उसे क्या बोलते हो प्राइस को जो जीरो हो जाती है, प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम, हाँ, तो प्रीमियम प्राइस में मैंने हमेशा ये भी देखा है कि डेप्थ में चेक करता हूँ, डेप्थ चेक जब करता हूँ तो बायस रहते ही है उसमें, रेदर देन सेलर से भी 3 गुना बायस रहते हैं, फिर भी वो
कम क्यों होता है? सर देखिए ना, ऑप्शन में आप अगर डिमांड ज्यादा है तो आपको प्राइस बढ़ना चाहिए। यस आई टोटली एग्री, बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना तो दो तरीके से ट्रेड होता है, बाइंग भी होता है और सेलिंग भी होता है। और जिसे हम लोग बोलते हैं ना प्रीमियम खाना, वो प्रीमियम खाने के लिए हम लोग बैठे हुए रहते हैं। आप वन साइड ट्रेड करोगे, हमारा जो ट्रेड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। हम आपको नहीं पता है कि जो प्रीमियम जो नीचे आता है ना उससे ज्यादा प्रॉफिट किसी में नहीं होता है। जिसे प्रीमियम पूरा खाना बोला जाता है वो, मैं मतलब लाइक वो टेक्निकल में आता है कि प्रीमियम कैसे खाया जाता है, किसका प्रीमियम खाना चाहिए, वो सारी चीजें टेक्निकल में, वो पूरा आपके पॉकेट में आ जाता है, सारा पैसा आपके पॉकेट में आ जाता है, इसीलिए उसमें बायस ज्यादा रहता है। ओके सो एवरीवन विजिबल व्हाइट पेपर, यस फ्यूचर, हाई रिस्क हाई मनी बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ लॉट साइज लॉस। यहाँ पे लॉट साइज कंपल्सरी रहेगा एज पर सेबी रूल। हर लॉट का जो प्राइस है वो 5 to 7 मोर देन 9 लाख के आसपास हर एक लॉट का कॉस्ट आना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीजें होगी, बाय भी होगा और ये पोर्टफोलियो में रिलायंस है, एसबीआई है, एलएनटी है, काफी अच्छे स्टॉक आप लोगों के पास है और आप लोग उसे एज अ लोन मतलब लाइक उस स्टॉक पे आप लोग मार्जिन यूज कर सकते हो। उसे बोला जाता है स्टॉक प्लेज करना, आप पूरे स्टॉक प्लेज करके ट्रेडिंग के लिए वो यूज कर सकते हो। हर एक स्टॉक का मार्जिन 100% नहीं मिलेगा, स्टॉक का मार्जिन अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। जैसे कि अगर रिलायंस है तो 60% मार्जिन आपको मिलेगा, एस ग्रुप टी ग्रुप जेड ग्रुप क्राउन टी नहीं होगा आपके मार्जिन के लिए, एफएनओ के लिए। एज पर सेबी रूल हर एक मार्जिन डिसाइडेड है और उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। कभी मेरे पास कैश नहीं है तो एज अ स्टॉक में प्लेज करके मैं उसे खरीद सकती हूँ। दैट इज सिंपल कॉल्ड कि आप स्टॉक प्लेज कर सकते हो, मतलब स्टॉक के ऊपर फॉर अ डे या फिर फुल मंथ आप लोन लेके ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स का मीनिंग क्या हो गया कि आप सौदे जो कर रहे हो वो फ्यूचर्स में कर रहे हो। फ्यूचर्स मतलब आगे का हम लोग सोच रहे हैं। जब भी आपका डिमैट अकाउंट खुलता है तब आपके डिमैट अकाउंट के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और ये सारे जो सौदे होते हैं, ये जो सारा बाइंग सेलिंग होता है फ्यूचर कब कर। रिस्क बड़ी है, 6750 का अगर आप लॉट ले रहे हो और वो 1 रुपया नीचे आता है तो 6750 का लॉस होगा, वही अगर ऊपर जाता है तो 6750 का प्रॉफिट भी आपको होगा। तो एक्चुअली जब मैं अगर आपको पूछूं कि आपको फ्यूचर पसंद आया है और रिस्क लग रहा है तो इसे कब करना चाहिए, देखिए जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया है और इमीडिएटली मुझे 17 लाख डालना बहुत डिफिकल्ट है। वही 17 लाख का स्टॉक अगर मैं 6 लाख रुपए देके लेके जा सकती हूँ तो इससे बेटर चीज कोई नहीं होगी। 3 रुपए बढ़े, 5 रुपए बढ़ेगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 रुपीज मतलब मुझे ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड आपने कोई भी चीज अगर नोटिस की है, कोई भी अच्छा स्टॉक आप खरीदते हो, या तो मार्केट जब नीचे आता है तो ये अच्छे स्टॉक पहले नीचे आते हैं और मार्केट जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है ये अच्छे स्टॉक पहले चलना शुरू हो जाता है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड सिचुएशन के हिसाब से अगर आप प्रॉपर वे से टेक्निकली सपोर्ट लेके, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा होता है आपका टेक्निकल सपोर्ट, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या बोल रहा है पिवोट आपका, क्या बोल रहा है लाइंस चार्ट आपका, क्या बोल रहा है कैंडलस्टिक, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट करोगे और सबसे अच्छा ट्रेड होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्योंकि उस पर वॉल्यूम ज्यादा है। आप स्टॉक में भी कर सकते हो। अब हमें स्टॉक में सारे फॉर्मूलेज यूज करने हैं जो इसके पहले हमने कल का जो न्यूज़पेपर फॉर्मूला देखा था, अगर वही न्यूज़पेपर फॉर्मूला अपोलो टायर वाला अगर आप फ्यूचर्स में लगा देते थे कितना बड़ा, वो कल 5 रुपए बढ़ा है, उसमें से अगर 2 रुपए भी आपको मिलते थे तो इसके लॉट साइज के मल्टीप्लीकेशन में हमें पैसे मिल ही जाते थे। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड जब भी आपको फ्यूचर करना है तो सिचुएशन मैटर करेगा। अब आती है बात, अगर समझ लीजिए पसंद आया
कितने लोगों को लग रहा है, एक डर कितने लोगों को लग रहा है? ऐसा फ्यूचर ऑफ फ्यूचर तो अच्छा ही है, कर भी सकते हैं, बट इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बट इसके साथ साथ प्रॉफिट भी ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन एक तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, इतना पैसा कमाने के बाद ही आप इसमें एंट्री लोगे तो आप रिस्क झेलने की ताकत रख सकते हो, तो ही जाना। नहीं तो पहले उतना बिल्ड करना चाहिए कैपिटल, उसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ जाऊँ फ्यूचर में। विक्रम सर, अरविंद सर, कितना रिस्क लगा आपको या इजी लगा? रिस्क तो है ना, उससे अच्छा पेशेंट अटेंड कर ले। हेलो, उससे अच्छा अगर मैं 2-3 पेशेंट एक्स्ट्रा कर लूं, ऐसे लग रहा है उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा ना लेकिन। ओके फाइन, अगर मैं ये रिस्क आपकी मिनिमाइज कर दूं तो बहुत अच्छा होगा। एक लॉट के लिए आपको 1,16,000 लगे थे निफ्टी के लिए, राइट? वो हमने लिखा था। यस। और वही टाटा पावर के लिए हमें 6,56,000 लगे थे। अगर मैं निफ्टी आपको 25,000 में 2 लॉट करके दू और टाटा पावर के भी 2 लॉट में नियर अबाउट 1 लाख रुपीज में करके दू तो कैसे रहेगा? बहुत अच्छा। तो बता दू मैं आप लोगों को कि कैसे रहेगा। Yes. But exchange notice कैसे? अप्रैल का फ्यूचर है 17,414, वही मई का फ्यूचर है 17,463, वही 17,506 जून का फ्यूचर है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो अपग्रेडेड प्राइस है, बढ़ी हुई प्राइस है। अब बायर्स एंड सेलर्स पे भी डिपेंड करता है, बट इस जो वॉल्यूम है, ये जो अपग्रेडेड वॉल्यूम है, इसी बोला जाता है प्रीमियम। यही अगर उल्टा होता था, समझ लीजिए जून का फ्यूचर होता था 17,450, वही मई का फ्यूचर होता था 17,463, अगर डिग्रेडेड होता था, नीचे के लेवल पे अगर प्राइसेस होते थे, तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमारे जीरो लॉस स्ट्रेटजी में बहुत मैटर करेगा। अब हमें देखना है कि अगर हमें जीरो लॉस स्ट्रेटजी यहाँ पे बनानी है तो उनका साइड रिफ्रेश नहीं हुआ है, बट रेट में डिफरेंस एज एनी कॉस्ट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेट कैसे डिफरेंस आएगा आप लोग मुझे बताओ। 17,461 में मैं लेने के लिए खड़ी हूँ और आपका जो रेट बता रहा है वो 17,000 कितना बता रहा है? 410 57 ना, वैसे नहीं होगा। 17,463 पे सेलर खड़ा है, ये ऑफर प्राइस एंड रेट प्राइस है, और करंट मार्केट प्राइस क्लोजिंग है, जो कल का क्लोजिंग है वो 17,463 है। डिफरेंस मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग रेट सब तरफ सेम ही रहना चाहिए। वो उनका साइट मे बी अपग्रेडेड नहीं हुआ होगा। अभी 9:15 या 9 o'clock को आप एक बार वापस चेक करिए। जैसे पे कर लो, आप मेरे साथ जीरोदा में कर लो, आप एप स्टॉक में कर लो, कहीं पे भी आप करोगे तो मार्जिन आपको एक्सेस, मतलब 10 लाख रुपए देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मिनिमम मार्जिन में ही काम होगा। ठीक है, आप मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ मेरा, उसमें अप्रोक्सीमेट 10 लाख दिखा रहा है। वो अमाउंट हो गया ना, जैसे हमने यहाँ पे अगर निफ्टी खरीदनी है 17,460 पे अगर मुझे बाय करना है तो यस 8,73,000 लगेगा और उसका मार्जिन 1,16,000। हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ जीरो लॉस स्ट्रेटेजी के लिए आपको डिफिकल्ट टास्क है जीरो। उनको पता होगा आपके पास बहुत पैसे है, इसलिए वो लोग मांग रहे हैं आपसे। नहीं हुआ अभी, थोड़े हैं तो मुझे भी दे दो, मैं भी 2-3 लॉट खरीद लूँ। श्योर श्योर मैम। मैम जो आपके इसमें जो है ना, जो आपने जो ऑप्शंस डाले थे जैसे अप्रैल में और जून का, उसमें डेट दिखा रहा है बराबर 28 इसमें नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो जीरोधा में डेट नहीं दिखाता है वो, कोई आपको फ्यूचर नहीं दिखेगा। एक मैम 10 महीना शेवटचा गुरुवार हा पकडायचा। तो एक्सपायरी डेट आपको दिखेगी ही दिखेगी, विदाउट एक्सपायरी डेट आपको कुछ नहीं दिखेगा।
नहीं जीरोधा में नहीं आ रही एक्सपायरी, सिर्फ मंथ का मंथ आ रहा है, पर्टिकुलर मंथ जैसे मई मंथ फ्यूचर और जून मंथ फ्यूचर, बस उसमें डेट नहीं आ रही जैसे आईसीएसए में डेट दिख रही है। आप खुद से पकड़ने पकड़ अपन सोच के करना पड़ेगा कि लास्ट डेट। भाई लोगों मेरे क्लास में मैं टर्मिनल नहीं पढ़ाती हूँ, मैं थियोरेटिकली फ्यूचर पढ़ाती हूँ, आज अलग ही सेशन शुरू हो गया है। ठीक है, आना तो चाहिए, बट अजित सर तुमच्याकडे पण झिरो दा आहे। आना तो चाहिए, एक्सपायरी विदाउट एक्सपायरी कोई पोर्टल आपको काम नहीं कर पा सकता है, रेट तो दिखना चाहिए, एक्सपायरी डेट दिखनी ही चाहिए।